मैं कांग्रेस हूँ। वही कांग्रेस जिसने 25,000 से अधिक हिंदुओं को मारने के बाद भी पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दे दिए। मैंने देश के धर्म के आधार पर टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा वोट बैंक बचा रहे इसके लिए 3.5 करोड़ अल्पसंख्यकों को भारत में ही रहने दिया। मैंने ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर सरदार पटेल का विरोध कर हिंदुओं से पूजा करने का हक छीना, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से वंचित रखा। मेरा क्रोध या नफरत कह लो, वो इतनी बढ़ गई थी कि मैंने देश के राष्ट्रपति को भी सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेहरू की बात को नजरअंदाज कर सोमनाथ मंदिर की स्थापना में गए। मैंने आजादी के बाद से लेकर अब तक आरएसएस को बैन करने के लाखों प्रयास किए, वो हमेशा से मेरी आंखों में खटकते हैं, लेकिन मुझे मुस्लिम ब्रदरहुड पसंद है। मेरे ही कुकर्मों की वजह से संयुक्त राष्ट्र में भारत को दी गई वीटो पावर दुश्मन चीन के हाथों में चली गई, क्योंकि मेरी नज़र में हिंदी चीनी भाई भाई हैं। मैं वही कांग्रेस हूँ जिसने हिंदू कोड बिल तैयार किया और सरदार पटेल के विरोध के बावजूद मैंने इसे केवल हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित कर दिया। वो मैं ही थी जिसने जम्मू कश्मीर के माथे पर धारा 35 से 370 का कलंक लगाया था। मैंने AMU में मुस्लिम शब्द रखा, लेकिन BHU में हिंदू शब्द के इस्तेमाल का विरोध किया। मैंने ही भारत की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी और अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कहा कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। मैंने गायों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे सैकड़ों साधुओं की गोली मारकर हत्या करवा दी। मैंने ही बांग्लादेशी को देश में घुसपैठ करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए रोहिंग्याओं को बसाया। मैंने न केवल हमारी सेना द्वारा जीते गए भारत के अहम हिस्से POK को वापस उपहार में दे दिया, बल्कि पाकिस्तान की जेलों में बंद हमारे 54 बहादुरों की परवाह किए बिना पकड़े गए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भी लौटा दिया, क्योंकि बुद्धिजीवी तो मुझे मेरे बड़ों से विरासत में मिली है। देश की सेना का अपमान करना मेरी रग रग में है, इसलिए मैंने इंदिरा के हुक्म से इंकार करने वाले सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, जिसने पाकिस्तान पर जीत दिलवाई, उसका वेतन 32 साल तक नहीं दिया। मैं वही हूँ जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, क्योंकि संविधान से चलना सिर्फ बाकियों पे लागू होता है, वोट बैंक पर नहीं। मैंने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। वो मैं ही थी जिसने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला, लेकिन फिर भी हज सब्सिडी देने में कतराई नहीं, और आज भी उसका दुरुपयोग करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो मैं ही थी जिसने 30,000 से भी ज्यादा सिखों को बेरहमी से कत्लेआम करवाया और उनके गुनहगारों को बचाए रखा, गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया और देश का सोना गिरवी रखवा दिया। मैंने ही वक्फ एक्ट में संशोधन कर इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज आपकी जमीन कभी भी आपके ही हाथों से जा सकती है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैंने परमाणु का विरोध किया, सेना को कमजोर रखने की मेरी मेहनत पर पानी जो फिर जाता। मैंने रिमोट कंट्रोल PM बनाया, उसकी आड़ में लाखों करोड़ों के घोटाले किए। देश में पाकिस्तानी आतंकियों ने 3 दिन तक कहर मचाया, लेकिन इल्जाम लगने से बचने के लिए मैंने RSS को अपना टारगेट बनाया और हिंदू आतंक को जन्म दिया। वो मैं ही थी जिसने देश से छिपकर चीन के साथ MOU साइन कर अपने ही देश की कमर में छुरा घोंपा था। मैंने ही कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि श्रीराम काल्पनिक है और राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की। मैंने वोट बैंक के लालच में हज पर 50% की सब्सिडी दी, पर अमरनाथ यात्रा पर 25,000 का टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लिया। देश में महंगाई को 2 डिजिट में रखना ही मेरी खासियत थी। मैंने CAA पर लोगों को गुमराह कर उसका विरोध किया, जिससे देश की करोड़ों की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। मैंने सेना को राफेल ना मिले इसके लिए अंबानी को बदनाम किया। मुझे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव का ढोंग करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को परिवारवाद पसंद नहीं। मैं कांग्रेस हूँ, मुझे नफरत है इस देश से, इस देश के हिंदुओं से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सत्ता में एक और मौका मिले, ताकि मैं हिंदुओं का इस देश से पूरी तरह विनाश कर पाऊँ।